नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आया हूं। दोस्तों, आप अक्सर देखते हैं हमारे समाज में कि कहीं भी हम इंटरव्यू देने जाएं या फिर किसी पार्टी में जाएं दोस्तों, तो अगर हमारा कलर जो है वो फेयर नहीं होता है, हमारे चेहरे पर लाइट नहीं होती है, हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग नहीं होती है, मरी मरी सी त्वचा हो, तो हम इंटरनली गिल्ट सा या कहें कॉन्फिडेंस लेवल हमारा कम हो जाता है। हम प्रभावशाली ढंग से अपनी बातों को लोगों के सामने नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बात घर कर जाती है कि हम उतने खूबसूरत यानी कि हमारी स्किन या हमारी पर्सनैलिटी इतनी बेहतर नहीं दिख रही, जिसकी वजह से हम अंडर पर्सनैलिटी हो जाते हैं दोस्तों। तो इन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए आज हम एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप इसे लगाते हैं तो आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगी दोस्तों। इसके साथ साथ चेहरे का कलर भी निखर जाता है, यानी कि आपकी स्किन गोरी हो जाती है। इसके लिए आवश्यक सामग्री जो होगी दोस्तों, वो आप पहले कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिए। ग्रीन टी की आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसके साथ साथ बेसन और आपको शहद चाहिए होगी। ग्रीन टी वैसे तो वेट लॉस करने के लिए सबसे बेहतर उपाय माना जाता है। अगर आप ग्रीन टी का सेवन करते हैं तो वेट लॉस करता है, लेकिन ये हम अपने कई वीडियोस में आपको बता भी चुके हैं दोस्तों कि ग्रीन टी कैसे वेट लॉस करता है, लेकिन यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं आपके कलर को निखारने के लिए। चाहे हम बाहर घूमते हैं धूप में तो टैनिंग हो जाती है स्किन पे, टैनिंग को दूर करना हो, या फिर जिसका कलर निखरा हुआ ना हो या स्किन मृत सी दिखती हो, मृत कोशिकाएं चेहरे को झुर्रियों की दुकान बना देती हैं कहें तो, एक तरह से यानी कि झुर्रियां ही झुर्रियां हो जाती हैं हमारे चेहरे पे। इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको करना क्या है कि ग्रीन टी को अच्छे से कूट लेना है, पीस लेना है आपको बारीक। इसके बाद आपको बेसन को उसमें मिक्स करना है। एक चम्मच ग्रीन टी लिया आपने पीसी हुई और उसमें बेसन मिला लीजिए। बेसन आप जानते होंगे, चने को पीस करके बेसन बनता है, उस बेसन को आप उसमें मिक्स कर लीजिए और उसमें एक चम्मच शहद डाल लीजिए। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए दोस्तों। मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट तक उसको छोड़ दीजिए ताकि अच्छे से ऑब्जर्व कर ले और पेस्ट जो है वो गाढ़ा बन जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, पेस्ट को अपने फेस पर हल्के हाथों से अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले आपको फेस को अच्छे से क्लींजिंग कर लेनी है। फेस को अच्छे से धो लीजिए। आप जो भी साबुन या फिर शैम्पू यूज करते हैं या फिर गुनगुने पानी से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। इसके बाद उसके ऊपर इस पेस्ट को आप हल्के हाथों से लगा दीजिए। तौलिए से जब भी फेस को पोंछते हैं तो रब नहीं करना चाहिए, बस डैप डैप करके पोंछना चाहिए। इसके बाद आप अप्लाई कर लीजिए। तब तक इसको फेस पे लगे रहने दीजिए जब तक कि ये लेप फेस पर लगा हुआ सूख ना जाए। जब ये सूख जाए अच्छे से तब आपको धो लेना है दोस्तों हल्के गुनगुने पानी से। इसके बाद क्या करना है आपको कि दही लीजिए और उससे मसाज कीजिए स्किन पर, फेस पर मसाज कीजिए। एक बात का ख़ास ख्याल रखें इस औषधि को यूज करने में कि आपको सप्ताह में 3 बार यूज करना है, हर रोज़ इसका इस्तेमाल ना करें, सप्ताह में 3 बार करें। आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग रहेगी दोस्तों, चेहरे से आपकी मृत कोशिकाएं दूर हट जाएंगी, आपकी झाइयाँ झुर्रियाँ चेहरे के दाग धब्बे पिंपल्स दूर हो जाएंगे, क्योंकि क्लींजिंग होगी आपके फेस की बेहतर, तो आप बेहतर दिखेंगे दोस्तों। इसके बाद किसी भी पार्टी या फिर इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे दोस्तों। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों आप सभी के लिए स्किन को गोरा करने के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।